अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोगों को खुश आमदीद। तो गाइस आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सलाम इतनी स्लो से क्यों करा। तो गाइस काफ़ी दिन से ना कि जब से मैं व्लॉग शुरू कर रहे थे तो मेरी अम्मी कह रही थी कि आप सलाम जो है ना वो स्लो स्लो किया करो, आपका सलाम सही समझ में नहीं आता तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, सलाम जो है अब हम शुरू में स्लो स्लो बोला करेंगे। वैसे मैं तेज़ी में बोलता था इसलिए आज मैं स्लो में कहा। तो गाइस आज का जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ ना, आज मैं वाप के साथ करूँगा टॉफ़ी वाला प्रैंक। ये मेरे हाथ में जो टॉफ़ी है ये खाली है, अभी वाप उस शॉप पर बैठा हुआ है। अभी मैं जाता हूँ वाप के पास और उसे मैं खाली रेपर दूंगा और उसके साथ उसका रिएक्शन चेक करते हैं आगे तक क्या होता है। उसे पता नहीं उसके साथ प्रैंक होने वाला है, तो अभी मैं जाता हूँ वाप के पास। चलो भाई। तो गाइस फाइनली मैं शॉप पर आता हूँ, अभी मैं जाता हूँ वाप के पास। अस्सलाम वालेकुम वाप भाई। वाप भाई आपके लिए टॉफ़ी। थैंक यू भाई। ये क्या है? ये क्या था? ये तो कागज़ दिया आपने मुझे। ये क्या है बताने दी? ये भी खाली है, खाली निकली है अंदर से। भैया आपने क्या है? ये क्या है? मैंने तो टॉफ़ी दी थी, ये खाली भाई जी। टॉफ़ी वाले ने हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर दी, खाली खाली टॉफ़ी दी थी वाप भाई को। ये आपने प्रैंक किया मेरे साथ? ये आप खुद टॉफ़ी खा के आगे मुझे ला के खाली कागज़ दे दिया आपने। ये रख दिया मैंने इधर, आपने उठाने आपने यहाँ ये। अच्छा चलो वाप भाई, ले हम नाराज नहीं। आपको हम रियल टॉफ़ी दे ले, प्यार हाथों सर। थैंक यू। चलें वाप गाइस, वाप के साथ प्रैंक हमने कर दिया वाप को। वाप मज़ा आया आपको प्रैंक का? वाप भाई ये बहुत मज़ा आया। ये आपने टॉफ़ी रियल टॉफ़ी है, ये देख लें गाइस। ये देखिए मैंने रियल देखी, बाद में कहने के बाद में भी खाली दी थी वाप भाई को। अपना ऐसा ना वीडियो बना दें, उसने मुझे खाली टॉफ़ी पकड़ा दी। नहीं गाइस गाइस पंखा बंद करके हम ब्लॉग बना रहे थे। एसी उधर चलते लेकिन एसी की कूलिंग यहाँ तक पूरी नहीं आती, क्योंकि पंखा बनाओ तो पीछे से ना ब्लॉग के अंदर शोर आता है। अब हम भाई आज हम आप लोगों को दिखाएंगे भालू भैया, हमारे अबरार भैया है। अबरार भाई ब्लॉग में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हमने क्या बोलना, बस आप लोगों को डिस्टर्ब किया। प्रैंक हो गया वाप भाई के साथ, हमने आपका अबरार भाई से भी मिलवाया। हमारे ऊपर टॉयज वाले शॉपर होते हैं, इंशाल्लाह ऊपर भी जाएंगे, ऊपर जाके ब्लॉग बनाएंगे। तभी वाप भाई ने सारे यूनिकॉर्न गिरा दिए थे पाँव मार के। जी जी ये वाप को फिर अबरार ने बुलाया, अभी वाप आता तो फिर हम आज आपको हम दिखाते हैं 2500 वाले भालू, बड़े भालू, वो भी 2500 के अंदर, इतने कम रेंज के अंदर इंपोर्टेड भालू। उस दिन हमने आपको दिखाते हैं 750 वाले और 1500 वाले भालू। ये अभी कस्टमर को वाप भाई दे रहे हैं, ऊपर लेके गया गाइस। कस्टमर भी जो है ना बिल्कुल अजीब होता है, कस्टमर नीचे से होकर ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाके फरमाइशें करते हैं कि सीट ऊपर लाओ। अब ये बताएं ये कोई बात ठीक है या नहीं? यह सीटें सारी नीचे हमारे पास स्टफ़ की पड़ी हुई हैं। कस्टमर हमारे ऊपर वाली शॉप पे जाके बोलता है कि ऊपर ला के दिखाओ, मैं दोबारा नीचे नहीं जाऊँगी। तो गाइस आप जाना तो उन्होंने नीचे से ही है बस, लेकिन क्या करें बस। अच्छा तो वाप भाई फिर दिखाएं भालू 2500 वाले भालू में। देखें सारे भालू, देखें आप, ये देखें गाइस, ये देखें TMO यानी कि आई लव यू। ये चाइनीज़ है, ये चाइनीज़ में लिखा हुआ, वाप भाई ने उर्दू में आई लव यू बोला। ठीक है गाइस, एक ये भालू आ जाते हैं 2500 के अंदर। ये भी 2500 की रेंज में भालू है, सॉफ्ट क्वालिटी है एकदम बिल्कुल। ये देखो एक ये भालू, ये हाइट वाला, इनके उस दिन हमने आपको छोटे साइज दिखाए थे। एक ये बेयर भी आ जाते हैं, फिर एक ये हनी वाला भी है, ये टोपी बेयर भी आ जाते हैं। देखें ये भी देखें साइज़ में, साइज़ भी इसका बड़ा है। सारे इम्पोर्टेड है, सब इम्पोर्टेड वॉशेबल स्टफ़ है सारा। ये देखें यानी बेयर है, इसके हमने आपको छोटे दिखाए थे उस दिन 1500 वाले। देखें गाइस एक ये रेपिटेड लव वाला, और एक ये रेपिटेड सिंपल, इसके हमने आपको छोटे दिखाए थे, दो कलर थे इसके अंदर। ये देखें एक बेड़ ये भी आ जाता। तो गाइस फाइनली अब मैं अपने घर आ गया हूँ, शॉप बंद कर दी थी मैं आज, थोड़ा ले गया था शॉप से। तो बस इसी के साथ हम अपने आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके बाद टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। ये देखें अभी ब्लॉग के अंदर मोहम्मद हुसैन और फातिमा भी आए घर के अंदर। इसको भी हम लोग ब्लॉग में लेना होता है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा फिर हम इसके ब्लॉग में दिया करेंगे, इससे भी इंटरटेनमेंट किए करेंगे।